बिजनेसमैन राज कुंद्रा को लेकर एक अपडेट आ रही है। राज कुंद्रा के वकील ने एक बार फिर से कोर्ट में एक जमानत याचिका दाखिल की है और जमानत याचिका दाखिल करते हुए इस बार राज कुंद्रा के द्वारा सीधा सीधा दावा किया गया है कि जितने भी आरोप जो है राज कुंद्रा के ऊपर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। यही नहीं, जो 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा, उसमें भी डायरेक्ट कहीं से भी कनेक्शन नहीं है, ना ही कोई एविडेंस है राज कुंद्रा के खिलाफ में, जिससे कि ये साबित किया जा सके कि राज कुंद्रा ने अश्लील वीडियो में एक्टिव होकर पूरी तरह से काम किया था। यही नहीं, उसने ये भी दावा किया है कि जितने भी जो भी वो ऐप चला रहा था, अश्लील वीडियो जिस पे अपलोड कर रहा था, उसमें भी कहीं पर भी क्राइम ब्रांच के पास कोई एविडेंस नहीं है जिससे कि वो कंफर्म कर सके, ना ही उनके पास कोई सबूत है जिससे कि वो बता सके कि राज कुंद्रा जो है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था, तो इस बार जो है उसको जमानत दे दी जाए। बाय द वे, इस केस पे मंडे को सुनवाई होगी और मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा कन्फर्म किया जाएगा कि आखिरकार राज कुंद्रा को जमानत दे देनी चाहिए या उसको जो है वो जैसे कि अभी कस्टडी में है उसको कंटिन्यू ही रखा जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।